चाहिए वो मैंने लिख दी रेड से, डन है। जी ओके, तो अब देखिए 1774 चेन ऑफ कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट में सबसे पहली चीज मैंने लिखी है 1774, वो क्यों लिखी है? अगर आपको याद हो जाहिदा, वॉर ऑफ बक्सर किस साल हुई थी? सर, सेवनटीन सिक्सटी फोर। वॉर ऑफ बक्सर BUXAR 1764 में, आगाली 1764, जिसमें पूरे बंगाल पर उन्हें कब्जा कर लिया था, शिकस्त दे के भला किसको? मीर कासिम को। ओके, अब ये तो बात बन गई जनाब। अब बात आगे चलती है, बात आगे ऐसे चलती है कि 1764 में वार ऑफ बक्सर के बाद पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया, फिर कुछ टाइम गुजरा, पेज 42 पे पहुंची। आप लोग जरा अपने नोट्स वाले जो पेज है पीडीएफ के 42 पे, पहुंच गए, क्या जी सर, लिखा हुआ इस पे? दो कॉलम्स बने हुए हैं। 1774 इंडियन एक्ट, 1850 1858 क्या बात, इंडियन क्या एक्ट, बात, सही है वाला। क्या बात, यही है, शाबाश शाबाश, यही है बेटा, सेवन पेज 42। तो 1774 में फर्स्ट टाइम एवर यहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस भेजी, जिसमें तीन अहम बातें कही। नंबर वन, कहा ईस्ट इंडिया कंपनी रन इंडिया, यानी देखें कि कब्जा हुआ है बंगाल पे, ये इतनी सी जगह पे, और कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी रन इंडिया, इसका मतलब है कि ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कि भाई आप तो चाहते ही यही थे ईस्ट इंडिया कंपनी से कि वो पूरे इंडिया पे आपका कब्जा करवा दे। ठीक है जी, दूसरी चीज क्या कहते हैं यहां पे, सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम लगा दो, 1774 में कह रहे हैं। तो तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल की पोस्ट क्रिएट कर दी, ये है 1774। चीजों को याद करना नहीं है, याद रखना है। अब हम चल पड़े असली मरहले की तरफ, 1774 से स्टार्ट हुआ 1947 तक जाता है ये चेन जो मैंने आपको बना के दिया सारा, ठीक है, पिक में भी आपके पास आ गया हुआ है। तो 1774 में तीन चीजें कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी रन इंडिया, दूसरी कहता है सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम लगा दो, तीसरा गवर्नर जनरल की पोस्ट क्रिएट कर दी। उसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस नजर आती हैं 1758 1858 में, 1858 1858 में क्या होता है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो चुकी, ब्रिटिशर्स यहां कब्जा कर चुके, तो वहां से ब्रिटिश पार्लियामेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस बकायदा आती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज ये है कि इंडिया इज कंप्लीटली गिवन अंडर क्राउन, यानी ये ब्रिटिश इंडिया बन गया है। दूसरी बात, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश कर दी। तो कोई चीज जाहिदा कब अबॉलिश खत्म की जाती है? जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है, जब उसका मकसद असाइनमेंट पूरी हो जाती है, जब ये अपना टास्क हासिल कर लेती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया। तो भाई इसका मतलब है आपने ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी ही इसलिए थी कि इंडिया पे कब्जा करवा दे। तो इंडिया पे कब्जा हो गया तो जनाब वैल्यू उसकी जरूरत खत्म हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश्ड। तीसरी चीज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अबॉलिश्ड, समझ आई बात? जी सर, ऑफ लैप्स थी क्या कि अगर किसी स्टेट के राजा का बेटा नहीं, लीगल मेल हेयर नहीं, तो व्हेन द राजा वुड डाई तो द स्टेट वुड फॉल टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, यही थी जी। जी सर, यही थी। तो बनाई क्यों हुई थी? ताकि इस स्टेट पे भी कब्जा हो जाए, उस स्टेट पे भी कब्जा हो जाए, उस स्टेट पे भी कब्जा हो जाए। तो भाई अब तो पूरे इंडिया पे कब्जा हो गया, अब इसको आपने क्या करना है? तो दैट वाज अबॉलिश्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का असूल भी खत्म। चौथी बात, यहां पे उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट लगा दी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करता है? ये जनाबे अली डे टू डे हैपनिंग्स की इतला देता है इंग्लैंड में, यानी इसके सुपुर्दे काम पुखो वाला काम, नंदों वाला काम ये करता है, इधर की सारी इतला उधर देता है। ठीक है जी, अगली चीज यहां पे उन्होंने लगा दी पोस्ट वॉयसराय की।
वॉयसराय क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स देखिएगा सारे जी। क्या करेगा जी वॉयसराय? एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स देखेगा, और गवर्नर जनरल तो है ही, वो सारे के सारे देखेगा लेजिस्लेटिव अफेयर्स। ठीक है, तीनों को डिसाइड डिवाइड कर ले आपस में कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पुफो डे टू डे हैपनिंग्स की इत्तला देगा इंग्लैंड में, वायसराय विल टेक केयर ऑफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स एंड गवर्नर जनरल विल टेक केयर ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव अफेयर्स। इट वॉज 1858 के फौरन बाद, फिर जरा सा संभले, और 1861 में फर्स्ट टाइम एवर इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक्ट भेजते हैं। क्या भेजते हैं जी? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक्ट। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट क्या है 1861 का? इसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम एवर यहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने कहा कि एज दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल इज सपोज्ड टू वर्क for the local people of India, that is why Indians would also be the part of this legislative council. समझ आई ये बात आपको ज़ायदा? जी सर थोड़ी सी। मैं बताता हूँ, legislative council बनाई और उसमें उन्होंने सोचा कि यार अगर इसमें हमने सारे अपने ब्रिटिशर ही रखे, सारे के सारे बंदे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती क्या है, विच इज सपोज्ड टू लेजिस्लेट फॉर द कंट्री, आइन साजी जो करेगी, तो अगर हमने ये आइन साजी करने वाले लेजिस्लेटिव काउंसिल में सारे के सारे हम खुद ही ब्रिटिशर्स बैठ गए, तो इंडियंस कहेंगे यार हमें तो पता ही नहीं है क्या है, वो माने पता नहीं ना माने, लड़ाई हो जाए, यहाँ पे एजिटेशन खड़ा हो जाए। और दूसरा, सारी दुनिया जो है वो देखेगी कि इन्होंने इंग्लैंड वाले ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा कर लिया है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में सारे खुद ही बैठे हुए हैं, तो इससे बेहतर है कुछ ऐसी रबर स्टैंप्स के तौर पे लोकल्स अपने एतमाद वाले पकड़ के बिठा दो, और ये लोकल्स भी इंडियंस भी खुश कि जनाब लेजिस्लेटिव काउंसिल में 12 सीटें हैं, 6 हम ब्रिटिशर बैठे हैं, 6 आप लोग बैठे हैं। ज्यादा बात समझ आई अब? जी सर आ गई, आ गई। और दुनिया को भी दिखा देंगे कि देखो अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में यहाँ बैठे हैं इंडिया में बना के, तो हमने लोकल्स को भी बीच में हिस्सा दिया हुआ है, तो जस्टिफाइड रहेंगे, साफ नीट एंड क्लीन रहेंगे। क्लियर हो गया बात? तो इन्होंने क्या किया भाई कि इन्होंने कहा कि सीटें होंगी 12 सीटें होंगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जिसमें से 6 होंगे हम लोग और 6 होंगे इंडियंस। जो 6 इंडियंस रखे वो प्योरली अपनी मर्जी के चुन के रखे कि उनमें से कोई किसी भी स्टेज पे ब्रिटिशर्स से आंखें फेर ना ले, इसलिए अपनी मर्जी के रखे, हैंड पिक्ड। समझ आ गई ज़ायदा? जी सर। ये हैंड पिक्ड क्यों रख रहे हैं? इसलिए कि डरे हुए हैं लोकल से, नेटिव्स से डरे हुए हैं कि ये तो रिवॉल्ट कर देते हैं, 1857 में ऐसे किया था, तो इसलिए अपनी मर्जी के 6 बंदे रखे 12 में से, लोकल जो 6 रखने थे अपनी मर्जी के रखे, और ये फिर भी डरे हुए हैं कि कहीं ये बगावत ना कर दें, तो कहा यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। उन्हें कहा ठीक है भाई, उन्हें क्या पता था लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? उन्हें कहा ठीक है भाई, कोई सवाल नहीं करेंगे। उन्हें कहा नो ऑब्जेक्शन, इन्होंने कहा ठीक है भाई नो ऑब्जेक्शन। उन्होंने कहा आप सोचा कि यार एक तो अपनी मर्जी के रख लिए हैं लेकिन फिर भी डर रहे हैं, तो कहा क्वेश्चन नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक है नहीं करेंगे, फिर भी डरे हुए हैं ब्रिटिशर्स। कहा ऑब्जेक्शन भी कोई नहीं करना। उन्होंने कहा जी नहीं करेंगे, फिर भी डरे हुए हैं ब्रिटिशर्स। तो कहा सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि रेजोल्यूशन पास कर ले आपस में बैठ के कि जी अब क्वेश्चन कर सकते हैं, तो कहा नो रेजोल्यूशन। इन्होंने कहा ठीक है भाई रेजोल्यूशन भी कोई नहीं करेंगे, ओए फिर भी डरे हुए हैं ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने कहा कि वीटो पावर विद गवर्नर जनरल। ठीक है जाहिदा, बात समझ वीटो पावर विद गवर्नर जनरल, यानी देखें 1774 में गवर्नर जनरल आया विद फुल पावर, 1858 में गवर्नर जनरल फुल पावर, 1861 में गवर्नर जनरल वीटो पावर, और 1861 में फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है, तो सीटें कितनी रखी जाती हैं? 12 सीटें रखी हैं कि उन्होंने। अच्छा जी, वक्त गुजरा, 1892 आया और इसमें उन्होंने सीटें, अब के जो 12 थी ना, देखें लोकल्स को आ गई समझ,
1861 में तो मैंने कहा ना इनको पता ही नहीं था लेजिस्लेटिव काउंसिल होती क्या है, तो 1892 तक समझ आ गई क्या होती है, तो इन्होंने कहा ब्रिटिशर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें बढ़ाओ, इतनी समझ आ गई है। तो 1892 के लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट में वो सीटें जो 1861 में 12 थी यहां 16 कर दी। ज्यादा समझ आ गई? जी सर समझ आ गई। 12 के सीटों के डब्बा डालें और ये 16 सीटों के डब्बा डालें ताकि आपको याद रहे। ठीक है, 16 सीटें, इन 16 सीटों में से उन्होंने कहा जी 8 होंगे ब्रिटिशर्स और 8 लोकल्स जो होंगे वो भी उन्होंने कहा जी, एक मिनट ठहरे, लोकल्स ने कहा, देखें समझ कितनी आ गई लोकल्स को 31 इयर्स में 1861 से 1892 तक। इन्होंने कहा भाई जी ये जो आपने लोकल्स रखने हैं ना वो आपकी मर्जी के नहीं होंगे, वो हम नाम रिकमेंड करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने चालाक थे, उन्होंने कहा ओके फाइन भेज दो, 4 नाम म्यूनिसिपलिटी भेज दे, 4 नाम कॉमर्स चैम्बर कॉमर्स भेज दे, 4 नाम यूनिवर्सिटीज भेज दे, 4 नाम रिलीजियस कम्युनिटीज भेज दे, हम उनमें से एक एक बंदा रख लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने नाम रिकमेंड करके भेजे लोकल्स ने, खुशी खुशी के हम भेज रहे हैं खुद से। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सबका इंटरव्यू किया, जिस बंदे से उनको लगा कि इसके दिल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई खार है या इसका कोई बाप दादा 1857 की वार लड़ता हुआ हमारे खिलाफ मारा गया था, इसका मतलब है इसको अंग्रेजों से कोई चपकलिश होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट के अंदर खार होगी, गुस्सा होगा, आउट। एक ऐसा बंदा जो खुद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में किसी कंपनी में नौकरी करता है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट में जॉब करता है, वो बंदा ठीक है, उसे कहा भाई तू आ जा लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो एक तरह से उन्होंने फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल अपनी मर्जी के बंदों की ही बना ली। ज्यादा समझ आ गई बात? जी सर बिल्कुल। लेकिन यहां के लोगों को अब समझ आ गई है, इन्होंने कहा भाई जी बात सुने, वी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज मेयर स्पेक्टेटर्स के नो क्वेश्चन नो ऑब्जेक्शन, ये क्या बात है, हम आएंगे तो बोलेंगे तो बैठेंगे तो बात करेंगे। क्या कहा साहिदा इन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, कि ये कोई बात नहीं कि नो क्वेश्चन नो ऑब्जेक्शन, हम आएंगे तो बोलेंगे तो बैठेंगे तो बात करेंगे। क्या कहा सर ने कहा हम आएंगे बोलेंगे बैठेंगे तो बात ही करेंगे, नहीं हम आएंगे तो बोलेंगे तो बैठेंगे तो बात करेंगे, ठीक है जी, कैसे जी सर हम आएंगे बोलेंगे तो बैठेंगे तो बात करेंगे। ओके फाइन, हम आएंगे तो बोलेंगे तो बैठेंगे तो बात करेंगे। भाई वी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज मेयर स्पेक्टेटर्स। तो ब्रिटिशर्स ने कहा सौ बिस्मिल्ला, नोट्स पे नजर रखें, अगर कोई मिसप्रिंट हो तो काट दीजिएगा। इन्होंने कहा कि हम क्वेश्चन करेंगे, अगर आपके पास यहां नो क्वेश्चन लिखा हुआ 1892 में नो काट दें, क्वेश्चन कर सकते हैं, यस। 1892 में यहां के लोगों ने कहा हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, यस ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इन्होंने कहा हम रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, उन्होंने कहा यस कर सकते हैं रेजोल्यूशन पास। नोट्स ठीक करती जा रही हूं साथ साथ? जी सर, रेजोल्यूशन में नो था। ओके, क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा ओके सब कुछ ठीक है, लेकिन फाइनल डिसीजन विद गवर्नर जनरल, ठीक है, फाइनल डिसीजन विद गवर्नर जनरल। तो यहाँ के लोग हो गए बहुत ज्यादा खुश, जनाब मार लिया मैदान, हमने मनवा ली ब्रिटिश गवर्नमेंट से, हर बात मनवा ली। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा ओके जो तुम लोग कहते हो ठीक हो, क्वेश्चन करो, ऑब्जेक्शन करो, रेजोल्यूशन पास करो, बंदे भी हमारी मर्जी के रख लिए हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट खुश है और यहाँ के लोकल्स भी खुश हैं। तो थोड़े अरसे बाद लोकल्स को पता चलना शुरू हुआ कि भाई सब कुछ तो ब्रिटिशर्स के हाथ में ही है, जैसे 1858 में था, जैसे 1861 में था, वैसे ही 1892 में भी हुआ है। ऑल द पावर्स आर विद गवर्नर जनरल। फिर इस लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 1892 में मुसलमानों के लिए कोई सेफ गार्ड नहीं, वुमेन की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता मेस क्रिएट होना स्टार्ट हुआ कि यार हमें तो मिला ही कुछ नहीं। लोकल्स को समझ आने शुरू हुई ना कि क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं, लेकिन फायदा क्या, फाइनल डिसीजन तो गवर्नर जनरल के पास है। तो ये एक लावा पकना शुरू हुआ, तंग पड़ने शुरू हुए यहाँ के लोग। ऐसे में लॉर्ड कर्जन आ गया 1899 में, उसने वो पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दी। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो एक नया रौला स्टार्ट हो गया,
और कांग्रेस ने तूफान मचाया कि ब्रिटिशर्स आपने हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ा दिया, आपने बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, यू हैव डन एन एक्ट विच इज जस्ट इक्विवेलेंट टू एन इंसिडेंट कि इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ब्रदर्स ओवर अ काउ, तो डिसीजन हैज बीन गिवन दैट द काउ शुड बी कट डाउन इनटू टू पीसेस. आपने मां काली की मुकद्दस जमीन, द प्रीशियस लैंड ऑफ मदर गॉडेस हैज बीन कट डाउन इनटू टू पीसेस बाय यू ब्रिटिशर्स. आपने हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ा दिया है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गई, कांग्रेस के लेवल से एजुकेशन, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से एजुकेशन हो रहा है, और ऐसे में शिमला डेलीगेशन होती है, जो कि ये मैंने 1906 रेड रंग से इसको लिखा, बॉक्स में डाला. क्यों जाहिदा? इसलिए कि ये कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, ये सिर्फ दो तीन स्टेक होल्डर्स कहते थे ना, ब्रिटिशर्स, हिंदू एंड द मुस्लिम्स, उनमें से दो स्टेक होल्डर्स मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स आपस में बैठ के बात कर रहे हैं. अच्छा, जब नेक्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस बनाएंगे तो इन्होंने मिंटो को क्या कहा था कि मिंटो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे देना, मिंटो मिंटो हमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन दे दे, मिंटो मिंटो जॉब्स में कोटे दे दे, हाई कोर्ट में जज मुसलमान लगा दे, मिंटो एमयू कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दे, मिंटो और हमें सोशल प्रोटेक्शन दे दे, मिंटो सोशल प्रोटेक्शन दे दे, दे दे, दे मिंटो, मिंटो सुन रहा है ना तू. ठीक है जी, तो बात करते हुए हम पहुंचे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के चेन पे 1906 तक. तो इंशाल्लाह ताला बफजल खुदा बशरते जिंदगी नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोगों से बात स्टार्ट होती है तो हम बात शुरू करेंगे 1906 के आगे 1909 मिंटो मॉरले रिफॉर्म्स से. और अब मैंने क्या कहना है ज्यादा, मैंने ये कहना है कि जेंटलमैन, व्हाटसोएवर वी हैव ट्राइड टू डिस्कस टिल नाउ, रिपीट इट, कंप्लीट इट एंड कंक्रीट इट, एंड नेवर लेट इट नो टू एनीबॉडी एल्स हाउ सिंपल इट इज. और सब कुछ क्या है, बेकार है, बस यू पीपल आर प्रीशियस. कितने, वी आर वेरी वेरी प्रीशियस. ट्राई टू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड ट्राई टू बिकम व्हाट द बेस्ट बेस्ट पॉसिबल सन्स और डॉटर्स ऑफ योर पेरेंट्स. इसके अलावा न दुनिया में न आखिरत में कामयाबी का और कोई रास्ता नहीं है, और अगर कोई रास्ता है भी एटलीस्ट तो वो मुझे पता नहीं है. सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. कीप फ्लाइंग एंड एंजॉयिंग इट. सलमान काफी साइनिंग.